हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। तो हमको पता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव में नॉट वर्ड इंक्लूड होता है, जबकि अफर्मेटिव में नॉट, व्हाट, व्हाय, व्हिच, ये वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये अफर्मेटिव बनाने के लिए अगर ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं सेंटेंस में तो उनको हटा देना है और कुछ नहीं करना, तो सिंपल वो अपने आप ही अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे कि लिखा है सी इज नॉट रेखा, तो इसमें कौन सा वर्ड इंक्लूड है? नॉट। सी इज नॉट रेखा, नॉट लगने से ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। और जब भी हमको बनाना है अफर्मेटिव तो कुछ नहीं करना है, सी की जगह पे सी ही लिखा रहना है, इज की जगह पे इज, और नॉट हट जाएगा, बाकी बचेगा रेखा। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव, और किससे बनाया? नेगेटिव से। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर नॉट मैन, तो कुछ नहीं करना, इस पर कौन सा वर्ड इंक्लूड है? नॉट। नॉट से ये नेगेटिव बन गया, और हमको बनाना है अफर्मेटिव, तो कुछ नहीं करना, यू की जगह पे यू आर मैन। सी इज नॉट लायर, सी की जगह पे सी, इज की जगह पे इज, नॉट हट जाएगा, लायर, सी इज लायर। वी आर नॉट डंकीज, फिर हो जाएगा वी आर डंकीज। आई एम नॉट रिच, आई एम रिच। दे आर नॉट ग्रेट, दे आर ग्रेट। ही इज नॉट पुअर, ही इज पुअर। इट इज नॉट जनवरीज मंथ, तो ये हो जाएगा इट इज जनवरीज मंथ। देयर आर नॉट किंग्स, देयर आर किंग्स। बस सिंपल सा ये आपको वर्क करना है नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए, या फिर अदर सेंटेंस आ जाए जैसे इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना। बस आपको जो एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुम, ये वर्ड्स जो लगे हुए हैं उनको आपको हटा देना है, और सिंपल से सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, उससे बन जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। थैंक यू।